बहुत अच्छा किया जो प्रिंसिपल के पास खुद चली गई, यही कॉन्फिडेंस चाहता हूँ मैं तुम्हें। एग्जैक्टली डैड, और उनको अब पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं। शी शुड नो दैट इट्स अ हाई एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई सरकारी कॉलेज थोड़ी ना। ट्रू। और वैसे भी अब वो किसी स्टूडेंट के साथ अब बदतमीजी नहीं करेंगे। आज एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई है और इस चीज का इम्पैक्ट जरूर होगा, आई एम टेलिंग यू। इम्पैक्ट इस बात का भी होता है बेटा कि स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, टीचर्स पर भी, स्टूडेंट्स पर भी, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पर। तो आप क्या कह रहे हैं, मैंने उस टीचर के साथ मिसबिहेव किया था? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ना ही मैंने ये कहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि टीचर से सीखना होता है, तो जिसे सीखना हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सीखने का मतलब ये है कि मैं वहां जाके या कोई भी स्टूडेंट वहां जाके अपनी इंसल्ट कर पाए? स्टूडेंट्स की भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, और अगर कोई टीचर किसी से ऐसे बात करे तो वो हरासमेंट के केसेस में भी आ सकता है। बेटा, हरासमेंट तो टीचर्स की भी हो सकती है ना, अगर स्टूडेंट्स इस तरह से बिहेव करेंगे। और कोई बहस थोड़ी कर रहे हैं हम, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि हर रिश्ते की एक ड्यू रिस्पेक्ट इन प्लेस होती है ना, उसको वो देनी चाहिए। बस बहुत खाना खा लिया मैंने। रिदा, रिदा खाना खाओ प्लीज। नहीं, रिदा, रिदा क्या कर रही हो? अभी क्या जरूरत थी आपको उससे ये सब बात करने की? आपको अच्छी तरह पता था कि वो बुरा मना रही है। छोड़ देती बात को, अब खाना छोड़कर चली गई है वो, रात तक कुछ भी नहीं खाएगी। जावियर, मैंने कुछ गलत कहा है? मैंने तो उसे वही समझाने की कोशिश की है जो दरअसल तुम्हें समझाना चाहिए था। आप क्यों नहीं समझती? मैंने आपको कितनी बार समझाया, एक नॉर्मल बच्ची नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पड़ी नहीं हुई, आप जानती हैं, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। और उसने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है। साबिया, ये तुम्हारी गलत फहमी है और तुम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो उसके बैड बिहेवियर के। साबिया, तुम्हें उसे कॉम्प्रोमाइज करना सिखाना पड़ेगा, ये जिंदगी है, सब कुछ उसकी पसंद के मुताबिक नहीं होगा। और अगर इसे तुम ये नहीं समझाओगे तो उसे जिंदगी में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मेरी बेटी के बारे में? जब कल ये बात हो गई थी तो आज ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपकी? मैं नहीं चाहती जावियर के उसे कोई दुख उठाना पड़े और तुम्हें भी कोई तकलीफ हो। मुझे पता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरा सी आदत नहीं है, छोटी सी बात पे वो इतना रिएक्ट करती है, बल्कि ओवर रिएक्ट करती है। कल को ये रवैया उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगा। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जिम्मेदार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको ये मशवरा दूंगा कि आप प्लीज आज के बाद रिदा के मामलात में इंटरफेयर मत करें। वो जो भी करेगी ना, मैं हैंडल कर लूंगा आप प्लीज। अब देखें, अपनी भरी हुई प्लेट छोड़कर चली गई है, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ जब मेरी बेटी भूखी होगी?